You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. तो हे गेमर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है तो फिर से टेक्नो बंदा के एक फ्रेश वीडियो में। और आज मैं आप लोगों के लिए फिर से लेके आ गया हूँ टॉप वन हिडन प्लेस। और गाइज, मैं सबसे पहले ये सब आपको क्लियर कर देता हूँ, ये जो हिडन प्लेस बता रहा हूँ ना, वो पूरा यूट्यूब पे किसी यूट्यूबर ने नहीं बताया। आप हर जगह सर्च कर लो, हर एक जगह सर्च कर लो, आपको कहीं नहीं मिलेगा ये वाला प्लेस। यानी कि सबसे पहले टेक्नो बंदा चैनल पे ही डल रहा है ये वाला जो हिडन प्लेस है, आप सर्च करके देख लो कहीं भी। तो यार, इसी बात पे यार सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आप लोगों को मतलब बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिलती हैं जो पूरा यूट्यूब पे नहीं होता, ठीक है। तो फटाक से सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। और साथ ही साथ आज के लाइक मतलब एक लाइक दे दो आप, क्योंकि बहुत मेहनत से ढूंढ के लाऊं, तो एक लाइक ज़रूर देना। और काफ़ी दिन बाद आ रहा है तो यार लाइक देना तो ज़रूरी है। सो ये वाला हिडन प्लेस काफ़ी बेहतरीन होने वाला है, ठीक है। और मैं बता दूं, ये वाला हिडन प्लेस होने वाला है पोची नॉक पे। और यार सही में रियली बता रहा हूँ, ये वाला जो हिडन प्लेस है वो किसी यूट्यूबर ने नहीं बताया। और साथ ही साथ यार सबसे गजब बात, इस पे आप अपने तीन बंदों को हाइड कर सकते हो, ठीक है। स्क्वाड मैच में क्या होता है कि आप अकेले बच जाते हो। किस कई ऐसे सिचुएशन आता है जब पूरे स्क्वाड को छुपना रहता है, तो सबसे बेहतरीन चीज़ है कि आप तीन बंदों को यहाँ छुपा सकते हो। अब बचत का एक बंदा तो वो नहीं छुप सकता, उसका गारंटी नहीं लेता, लेकिन तीन बंदों का गारंटी लेता हूँ कि वहाँ पास जो तीन बंदे छुप जाएंगे और आराम से रैंक पुश कर लेंगे, ठीक है। तो तीन बंदे छुप सकते हो एक ही घर में, ठीक है। तीन बंदे एक ही घर पे मतलब छुप सकते हो, ठीक है। तो काफ़ी तगड़ा होने वाला वीडियो। सो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को आ जाना है सिंपली पोची नॉक पे, ठीक है। यहाँ पास हम पहुंच गया पोची नॉक, और पोची नॉक के ये वाला जो घर रहता है ना, इस वाले घर पे आना है। अब सोचोगे यार यहाँ पास कौन सा प्लेस हो सकता है ऐसा जो जहाँ पास तीन बंदों को छुपा ले, तो सबसे पहले यहाँ पास आ जाओ, ठीक है। और मस्त एकदम से लैंडमाइन वगैरह जो है लगा दो, ठीक है। सभी जगह लैंडमाइन वगैरह जो है लगा दो इस ट्रिक को यूज करने से पहले, ठीक है। तो देख लो यही वाला घर है पोची नॉक का, और कोई पिक विक में काम नहीं करेगा। अगर आप सोचोगे पिक में काम करेगा तो ये पिक पे नहीं करने वाला, बिकॉज जो पिक का घर है ना ऐसी है डिजाइन, लेकिन उस पर कुछ मटेरियल जो है नहीं है। और पोची नॉक में कुछ मटेरियल्स हैं तो वर्क करेगा, ठीक है। अब आपको मैं बताता हूँ कौन सा। सो ये जो यहाँ पास आप देख रहे हो ना, ये ठीक है। अब यहाँ पास दो है और यहाँ पास एक, ओके। अब मैं बताने वाला हूँ ये ट्रिक कि इसके अंदर आप आराम से कैसे जा सकते हो। देख सकते हो इधर दो है, आप दो बंदों को इधर छुपा सकते हो एंड बचत का एक बंदा इधर छुप जाएगा, ठीक है, यहाँ पास ये देख सकते हो। तो चलो फिर मैं बताता हूँ यहाँ पास कैसे छुपना है। सो सिंपली आप लोग क्या करना है, यहाँ पास आके बैठ जाना है, ये देख सकते हो। यहाँ पास आके आप लोगों को बैठना है सिंपली इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पास बैठने के बाद डाटा को ऑफ करना है, देख लो पहले कैसे बैठना है। डाटा को ऑफ कर देना है एंड अपने जो बचत के दो बंदे उनको भी आप बोल सकते हो, सोलो खेलते हो तो आप इधर भी छुप सकते हो उधर भी, ठीक है, दोनों में मतलब तीनों में। और अगर स्क्वाड खेलते हो तो दोनों में छुप सकते हो। अब यहाँ पास आने के बाद ऐसा दौड़ना है, और जिधर बैठो उधर ही दौड़ना है ना। अभी पीछे वाला जो दो ठो है उधर बैठोगे तो आपको पीछे दौड़ना पड़ेगा, ठीक है। अभी मैं इधर दौड़ रहा हूँ। यहाँ पास आने के बाद आपको डाटा ऑन करना है, देख लो एग्जैक्ट पोजीशन। और यहाँ पास आने के बाद आपको आगे आगे मुक्का मारना है, आगे मुक्का मारना है, और देख सकते हो ऐसी सेम स्टेप करना है तो आप लोगों का 100% हो जाएगा, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। सो यहाँ पास ऐसा जो है मुक्का मारना है, और आराम से आप जो है इसके अंदर घुस जाओगे। आप देख सकते हो अपनी आंखों से हम इसके अंदर आ चुके हैं। अब बात करते हैं, यहाँ पास दो बंदे भी यहाँ पास छुप सकते हैं अंदर में, ठीक है। दो बंदे एक ही में दो बंदे भी आ सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा है, देख सकते हो अंदर एकदम फ्लेक्सिव है। तो यहाँ पास दो क्या पूरा चारों के चारों बंदे आ सकते हो, देख लो आओगे कि नहीं। और तो ऐसे करके आप भी जो है आ सकते हो यहाँ पास, और अपने स्क्वाड को भी जो है ला सकते हो। तो यहाँ पास काफ़ी अच्छा प्लेस है, और जो गन वन मारोगे ना तो गन तो जाएगा बाहर, लेकिन जो है बंदे को नहीं लगेगी और आप इल्यूमिनेट हो जाओगे। तो मैं सजेस्ट यही करूँगा कि गन वन कभी मत चलाना, जो मेरी ट्रिक है उसको यूज़ करके अगर आप अंदर घुस भी जाते हो तो आराम से बैठे रहना, विलन को देखना क्या होता है, ठीक है, आपका सर्वाइव तो होगा ही ना। तो यहाँ पास विलन आप देखो और जो है मारना मत कभी भी। सो आज के लिए बस इतने मिलते हैं अगले वीडियो में। और कैसा लगा वीडियो यार, कमेंट तो किया करो, कमेंट कर देना, और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना। तो चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।